नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत की मौजूदा राजनीति में तिरंगा काफ़ी प्रासंगिक हो गया है। राजनीतिक दल या तमाम तरह के संगठनों के हाथ में अब तिरंगा पहले दिखता है, उनकी राजनीति या उनके मुद्दे पीछे दिखते हैं। राष्ट्रवाद अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो सभी मुद्दों के ऊपर चांदी के वर्क की तरह चला आता है, लेकिन एक तिरंगा यहाँ भी लगा है और जो लोग लेकर बैठे हैं उस तिरंगे को, उनकी हैसियत देखिए कि हाथ में तिरंगा होने के बाद भी उस तरह से राष्ट्रवाद वाली ऊर्जा पैदा नहीं होती है, ना मीडिया पैदा करता है। जिस तरह से एक राजनीतिक दल के नेता जब उस तिरंगे की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो उसे एक नैरेटिव, अंग्रेज़ी में आजकल चुनाव के समय एक फटीचर शब्द चला है जिसको अंग्रेज़ी में नैरेटिव बोलते हैं, तो पत्रकार भी पूछते हैं कि नैरेटिव क्या है। तो नैरेटिव चल रहा होता है, तो नैरेटिव के बनाने में एक तिरंगे का नैरेटिव देखिए, और जिन लोगों के पास भी तिरंगा है और गांधी की तस्वीर है डांडी मार्च वाली लाठी लेकर चलते हुए, उन लोगों की भी एक नैरेटिव को सुनिए। अगर नैरेटिव है भारतीय राजनीति का या सार्वजनिक जीवन का अगर यथार्थ है, तो आप देखेंगे कि दो कहानी मैं दिखाना चाहता हूँ। एक गाज़ियाबाद के ये कुछ गांव हैं, मंडोला, नवादा, पंचलोक और नानू, तो ये तीन चार गांव हैं जिनकी ज़मीनें कई साल पहले 90 के आखिरी दशक के आखिरी हिस्से में अधिग्रहित की गई। किसान बढ़ी हुई दरों पर अपना मुआवजा चाहते थे और 2 दिसंबर 2016 से ये धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक इनका जो संघर्ष वो किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा। हम कुछ पुरानी तस्वीरें शुरू में दिखा देना चाहते हैं जिससे ये ना लगे कि इसकी खबर दुनिया को नहीं है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि कैसे मौजूदा सांसद वीके सिंह सांसद बनने से पहले इनकी सभाओं में आया करते थे और वादा करते थे कि आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसी तरह से जो विधायक के उम्मीदवार होते हैं या पंचायतों के उम्मीदवार होते हैं, इन सब पर इन लोगों ने भरोसा किया। हो सकता है कि उनके लिए मुश्किलें रही हों, पर इन्होंने वो भी प्रयास करते हुए, इनकी शिकायत है कि हमने अपने लिए इन्हें प्रयास करते हुए भी नहीं देखा है। तो आज हम मंडोला गांव के किसान जो यहां पर पिछले लगभग 2 साल से अधिक समय से यहां धरना दे रहे हैं, उनकी कहानी बताएंगे और फिर नवादा की कहानी बताएंगे। मकसद ये है कि आप ज़रा सा सोचें कि लोकतंत्र में जनता ही अब जनता नहीं रही, सिर्फ वही जनता जनता है जो टीवी के सामने एक दर्शक है, जो TRP के लिए है या फिर एक राजनीतिक दल के वोट के लिए है। उसके बाहर जो जनता नहीं है वो जनता नहीं है। और क्या संघर्ष है इन लोगों का, दो ढाई साल तक लगातार संघर्ष करने का, यहाँ महिलाएं भी आती हैं, इसके बाद भी इनकी इतनी बुनियादी शिकायत है कि कोई सुनने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया, जो जीत कर गया वो हाल पूछने नहीं आया। मेरे खूब लटपट में इन्होंने लाठी चार्ज में लाठी के सिग्नल फोन डाले, जब तक वोट मांगे आया है कि ये गंगा मैया का नाश करेगी जैसा माला करा, हमारे तो कोई भी करने वाला ना कर। इन्होंने तो बहुत लोगों को दिखाई अपनी चोट, जब तक केजी त्यागी भी आया मोटे वाला सारे आए देखने, फिर किसी ने ना सुनी मारी तो खाट में गिर गिर कर लाए उन्हें ठाक के। आवास विकास के अधिकारियों ने सामने खड़े होकर उनकी मार पिटाई करवाई, बहुत बुरा हाल। ये कैसा है भारत देश महान, जिसमें कि हर किसान और मजदूर है परेशान।